नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी मुख्यमंत्री साइकिल वितरण करने संबंधी प्रसंग से। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान अंतर्गत महतरी के विभिन्न चारिटा मावी के छात्रा सबके साइकिल वितरण कैल गए। प्रदेश नंबर दू के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत अभियान अंतर्गत मंगल दिन महतरी के चारिटा मावी में 273 साइकिल वितरण कैल। वितरण करवा क्रम में श्री सरयुग मुन्नीलाल मावी सरपल्लो में 75, श्री दुर्गा मावी मनरा में 43, श्री सार्वजनिक राष्ट्रीय मावी गैरा भेटपुर में 51 और श्री महेंद्र राष्ट्रीय मावी रामगोपालपुर में 104 साइकिल कक्षा 8 में अध्ययनरत छात्रा सबके वितरण कैल गए। साइकिल वितरण कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत आर्थिक वर्ष में कमती में 8 सार्वजनिक विद्यालय में अध्ययनरत दलित आ मुस्लिम के महीना के 500 रुपया के दर से देल जेबा घोषणा कैलन। वो महिला आ पुरुष बीच रहल भेदभाव अंत करबाक लेल मात्रे अंत करक लेल वो महिला आ पुरुष बीच रहल भेदभाव अंत भेल तहन मात्रे देश समृद्ध हेबाक बतौलनि। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश में रहल बेटी सभक लेल एखन विभिन्न विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम और कार्यक्रम सब अनबाक प्रतिबद्धता जनौने छलनि। तेना कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव मदेश के आगा बढ़ावा लेल महिला शिक्षा में जोर देल जेबाक चाही धारणा रखने छलनि। वो महिला के सशक्तिकरण कैल जेबाक सेहो बतौलनि। कार्यक्रम में आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा मुख्यमंत्री द्वारा संचालित बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ अभियान के मुख्य उद्देश्य समाज में रहल लैंगिक विभेद के अंत करब रहल धारणा रखने छलनि। राज्य मंत्री कुशवाहा प्रदेश के विकसित कर हम सब के मिलकर महिला शिक्षा में जोर देल जेबाक आवश्यक रहल धारणा रखने छलनि। प्रदेश नंबर दू के मुख्यमंत्री लाल बाबू राउत देश में संघीयता खारिज करबाक विभिन्न षड्यंत्र भ रहल बतौलनि। मंगल दिन महतरी में कैल गेल साइकिल वितरण कार्यक्रम के संबोधन करी तो एहन धारणा रखलन। मुख्यमंत्री राउत केंद्र प्रदेश सरकार के विभिन्न अधिकार से वंचित क संघीयता के खारिज करबाक प्रयास कर रहल स्पष्ट कलन। आम देश आंदोलन तथा आंदोलन में शहादत देने हजारों युवा सबक परिणाम संघीयता आयल कहत तो कोनो हालत में संघीयता खारिज कर नहीं देबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कने छलन। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री राउत एखन गांव गांव में सेहो सड़क विस्तार आ विभिन्न भौतिक पूर्वाधार के विकास होत गेल ओकर प्रमुख कारण संघीयते रहल धारणा रखलन। वो केंद्र सरकार प्रदेश नंबर दू के शिक्षा विकास में अवरोध बन चाहि रहल तथा सीटी भीटी सहित शिक्षा कार्यालय सेहो प्रदेश मार्फत हस्तांतरण कर नहीं चाहने आरोप लगौलन। मुख्यमंत्री राउत समाज में अतिरिक्त ब्याज लक गरीब जनता के दुख देवे वाला साहू सब के तह लगेबाक प्रक्रिया अगाड़ी बढ़ौने जानकारी दिलन। तहिना कार्यक्रम में स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्य मंत्री डॉक्टर सुरेंद्र यादव आंतरिक मामला तथा कानून राज्य मंत्री सरोज सिंह कुशवाहा लगायत के सहभागिता छलन। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली बजौने सर्वदलीय विचार में देश प्राप्त केने उपलब्धि सब पर प्रहार करबाक तत्व सब आ शक्ति सब सक्रिय भेल कहत छलफल कैल गेल। प्रधानमंत्री ओली मंगल दिन साँझ में अपन सरकारी निवास बालुवाटार में बजौने बैसार में लोकतांत्रिक गणतंत्र के एजेंडा में एक भेल दल सब फिर से एक बेर एकजुट होब पड़बाक धारणा रखने छलनि। बैसार के बाद संवाददाता सब संगे बजत नेकपा के प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ बैसार में प्रधानमंत्री देश के पछिलका अवस्था में लोकतांत्रिक शक्ति सब समझदारी के साथ सहकार्य कर आवश्यक भेल धारणा रखने बतौने छलनि। प्रधानमंत्री बैसार के शुरू में विषय प्रवेश संगे गणतंत्र संविधान लोकतंत्र संहिता ऊपर निरंतर आक्रमण होब लगला कहित चिंता व्यक्त केने बताओल गेल। साथे प्रधानमंत्री देश के विभिन्न भाग में बढ़त गेल हिंसात्मक गतिविधि विरुद्ध एक भक सरकार के सहयोग कर आग्रह समेत केने प्रवक्ता श्रेष्ठ बतौलन। बैसार में सहभागी दलक शीर्ष नेता लोकन प्रधानमंत्री के धारणा में सहमत होत लोकतांत्रिक गणतंत्र आ प्राप्त उपलब्धि के रक्षा कर सरकार के साथ देव तैयार रहल धारणा रखने छलन प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलन। बैसल बैसार में समसामयिक राजनीतिक संगे प्रधानमंत्री अपन स्वास्थ्य के विषय में समेत नेता सब के जानकारी करौने छलन। आज फिर से सर्वदलीय बैसार बैस रहा है। उसका बैसार में सत्य निरूपण तथा मेल मिलाप आयोग आ बेपत्ता छानबीन आयोग के पदाधिकारी चयन आ शांति प्रक्रिया के बाकी काम केना का संपन्न करबाक विषय में केंद्रित भक छलफल होबाक प्रवक्ता श्रेष्ठ जानकारी दिलन। पुनः स्वागत है अपन न्यूज में आवन बाकी समाचार। सरकार संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस भव्य आ व्यापक रूप में मनेबाक कहत तैयारी शुरू कलक। संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस मूल समारोह समिति के बुद्धिन सिंह दरबार में बैसल बैसार में समिति वर्ग आ क्षेत्र विशेष में मात्र नहीं भक सभक सहभागिता के संग दिवस मनेबाक विषय में परामर्श भेल।
विशेष कर संघ प्रदेश स्थानीय तह के सब कर सरकारी कर्मचारी सबक सहभागिता में राजधानी काठमांडू के टूरी खेल में आ उपत्यका के बाहर प्रदेश के राजधानी जिला स्थानीय तह सब में भव्यताक संघ संविधान दिवस मनेबा के उद्देश्य संग कार्यक्रम सब तय कैल गए। अब वर्ष राष्ट्रीय झंडा के मुख्य आकर्षण के केन्द्र कार्यक्रम तय कैल गए। आश्विन 3 गते संविधान दिवस के दिन सब तह के सरकारी कर्मचारी सब राष्ट्रीय झंडा सहितक रैली करित मूल समारोह स्थल सैनिक मंच टूरी खेल जेबा कार्यक्रम तय भले। प्रदेश स्थानीय तह के सवाल में संबंधित मंत्रालय संयोजन क तोकल गेल स्थान में अनिवार्य उपस्थित होब व्यवस्था मिलाओल गए। विचार में संविधान दिवस मनेबाक लेल तय भेल कार्यक्रम लगायत के विषय में जानकारी करबैत गृह सचिव प्रेम कुमार राय सबक सक्रिय सहभागिता के लेल आग्रह कयने छलनि। संपूर्ण श्रद्धेय विशिष्ट राष्ट्र राष्ट्रियता स्वतंत्रता संविधान का लागि आफ्नो जीवन उत्सर्ग गर्ने ज्ञात अज्ञात शहीदहरुको आत्माको चिर शान्ति का लागि राष्ट्रका तर्फबाट उच्च सम्मान र श्रद्धांजलि प्रकट गर्दै विभिन्न धार्मिक संस्थाहरुबाट विभिन्न मठ मन्दिर चर्च मस्जिद आसिन 2 गते उपत्यका भित्रकै सब सरकारी कार्यालय महानगरपालिका नगरपालिका सबक अपन अपन क्षेत्रमै राष्ट्रिय झण्डा एवं ब्यानर सजाकर नगर सजेबाक आम नागरिक घर घर में सरसफाई का साँच में दीपावली करवाक राष्ट्रीय झंडा रिले दौड़ तथा क्रिकेट खेल के आयोजना करवाक नेपालक संविधान के केन्द्रित भक संचार माध्यम में बहस चलेबाक लगायत के कार्यक्रम तय कैल गए। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली संविधान वृहत राष्ट्रीय आकांक्षा के संबोधन के बतौलने संविधान दिवस तथा राष्ट्रीय दिवस मूल समारोह समितिक बुधदिन गृह मंत्रालय में बैसल विचार में हो संविधान वृहत राष्ट्रीय हित राष्ट्रीय आकांक्षा आ राष्ट्रीय आवश्यकता के संबोधन के बतौलन। विभिन्न किस्म के स्वार्थ सबक टकराव के कारण सबक इच्छा पूरा होबर नहीं सकल कहे तो जिद्द अडान के छोड़ तर्क सबके संविधान सम्मान के दावे के लेने सम्पूर्ण कुरा जस्ताको तस्तै सबै उत्तिकै लागु नभएको होला स्वाभाविक हो। कहीँ पनि यत्रो जनसङ्ख्यामा सबैले भनेका सबै कुरा जस्ता तस्तै पुरा हुँदैन। वो बड़का बलिदानी या विभिन्न पक्ष सबके योगदान आ तपस्या के बाद मात्र उपलब्धि निचोड़ के रूप में संविधान प्राप्त भेल कहित एक कार्यक्रम में सहभागी सब प्राप्त उपलब्धि के रक्षा कैल जेबाक में जोर दिलन। जनता के त्याग तपस्या बलिदान से प्राप्त संविधान के खुशहाली सीमित घेरा में मात्र भेनाई उपयुक्त नहीं भेल कहित राष्ट्रीय महोत्सव के रूप में जनसहभागिता के संग व्यापक आ भव्य रूप में मनेबाक लेल आवश्यक तैयारी कर निर्देशन दिलन। यह अवसर में प्रधानमंत्री ओली अपन स्वास्थ्य के विषय में बाहर आबि रहल चर्चा परिचर्चा खंडन करैत विरोधी के चुनौतीपूर्ण जवाब सेहो देलनि अछि। सत्तारूढ़ दलक सांसद लोकन नेपाल भारत बीच भेल जलस्रोत संबंधी समझौता भारत पक्ष से पालना नहीं कैल गया से नेपाली से पीड़ित बनल उपराग व्यक्त कलने। राष्ट्रीय सभा के बुधदिन बैसल विचार में सांसद सुमनराज प्याकुरेल आ सांसद कोमल ओली नेपाल भारत बीच भेल कुशी समझौता गंडक समझौता महाकाली समझौता लगायत के और समझौता के व्यवस्था अनुसार भारत पक्ष से कैल जाए वाला काज नहीं कैल गया से नेपाली जनता पीड़ित बनल बतौलन। सांसद सुमनराज प्याकुरेल कोशी समझौता भेल समय बाढ़ आ डुबान से पीड़ित भेल सबके क्षतिपूर्ति अनुसार राहत रकम उपलब्ध करेबाक समझौता भारत पक्ष पालना नहीं कैला से उदयपुर सुनसरिया सप्तरी के जनता पीड़ित बनल बतौलन। सांसद प्याकुरेल आई से शुरू होबय लागल नेपाल भारत संयुक्त आयोग के बैसार में नेपाल पक्ष ए विषय के भारतीय पक्ष संग वार्ता कर चाहे माग कलने। सप्तरी उदयपुर सुनसरीका जनताहरू आज कोशी ब्यारेजमा 32 गतेको विरोध सभापछि 1 गतेदेखि रिलेन्सनमा आउनुहुन्छ। कोशी नदीको पश्चिम किनारमा तटबन्ध अन्तर्गत 2018 सालसम्म सप्तरी र उदयपुरको 7663 बिगा 8 कट्टा 2 दुर जग्गा सहितको बैठकले प्रति बिगा 1,05,000 को दरले क्षतिपूर्ति दिने दिनुपर्ने। तैना बैसारमा विशेष समय लगा सांसद कोमल ओली नेपाल भारत बीच प्राकृतिक स्रोत भागबण्डा सम्बन्धी भेल सम्झौता पुनरावलोकन गर्न माग गर्न छले।
नेपाल भारत बीच सम्झौता कार्यान्वयन नभएका धेरै विषयहरूमध्ये मुख्य विषय भनेको जल स्रोत नै हो। यसमा पानीको बाँडफाँड, दुवै देशको सीमा क्षेत्रमा भएको डुबान, बाढी नियन्त्रण, तटबन्ध व्यवस्थापनको समस्या, राष्ट्रसभाको विचारमै सांसद लोकनाथ सरकारको काम कारवाही तथा पछिल्का समय बहसमै रहल रवि लाबी छाने पक्राउने विषयमै अपन अपन धारणा राख्ने छलैन। भारतीय विदेश मन्त्री सुब्रमण्यम जयशंकर काठमाडौँ पहुँचल छथि। काठमाडौँमै बुधदिन शुरू होबे लागल नेपाल भारत संयुक्त आयोगके विचारमै सहभागी होब भारतीय प्रतिनिधि मण्डलके नेतृत्व करैत 12 बजे काठमाडौँ पहुँचल छलैन। विदेश मन्त्री जयशंकर आइए दोपहर काठमाडौँमै शुरू होबे लागल नेपाल भारत संयुक्त आयोजनाक 5 विचारमै भारत पक्षके नेतृत्व कऽ रहल छन्। संयुक्त आयोगके विचारमै सहभागी होबसँ पहिने ओ प्रधानमन्त्री सङ्ग शिष्टाचार भेट खाट करबाक कार्यक्रम अछि। ओहि लगले ओ संयुक्त आयोगके विचारमै सहभागी हेता। संयुक्त आयोगके विचारमे बुधदिन नेपाल भारत द्विपक्षीय सहयोग आदान प्रदानके सँगसँगै विभिन्न एजेन्डामे सहमति सहितका हस्ताक्षर करबाक कार्यक्रम रहल अछि। विदेश मन्त्री जयशंकरके सम्मानमे परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवाली आइए साँझमे रात्रि भोजके आयोजना समेत कयने छथि। ओ शुक्र दिन 10:30 बजे राष्ट्रपति सङ्ग शिष्टाचार भेट करबाक आ दोपहर 3:30 बजे दिल्ली प्रस्थान करबाक कार्यक्रम अछि। विदेश मन्त्री जयशंकरके ई भ्रमण विदेश मन्त्री भेलाके बाद पहिल नेपाल भ्रमण अछि। जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषासँ फरार जबरजस्ती गर्ने मुद्दाके एक अभियुक्त सहित 4 विद्यार्थीके पुलिस गिरफ्तार कयलक अछि। गत बृहस्पति दिन बयान लेबाक क्रममे अपराध अनुसन्धान शाखासँ फरार भेल राममणि यादव सहित 4 विद्यार्थीके पुलिस मंगल दिन पकड़ाउ कयलक अछि। फरार भेल 6 दिनके बाद पुलिस मंगल दिन रातिमे सिरहा मारड़के भारतीय सीमासँ गिरफ्तार कऽ कऽ DSP रामेश्वर कार्की ओकरा सबके लौने जानकारी देलनि। हुनका सबके साथे सिरहा औरीके प्रमेश यादव, ठगहीके सूर्य नारायण यादव, बसपिट्टाके राजकुमार यादव आ अरनामाके राम प्रकाश यादव रहल अछि। ई 4 गोटे जनकपुर स्थित एक कॉलेजमे ओवरसियर अध्ययनरत विद्यार्थी अछि। गिरफ्तार कयल गेल 5 गोटे ऊपर अनुसन्धान भऽ रहल पुलिस जनौलक अछि। पुलिसके हिरासतेसँ यादव फरार भेलाके बाद अपराध अनुसन्धान शाखाके सहित राजकुमार भण्डारीके जिल्ला प्रहरी कार्यालय धनुषा निलम्बित कऽ देने छल। तेना DSP कार्कीके संयोजकत्वमे 5 सदस्यीय छानबीन टोलिए गठन कऽ कऽ फरार अभियुक्तके खोजी तीव्र कयल गेल छल। जनकपुर धाम उपमहानगरपालिका 8 बलबा टोलमे डेरा लऽ कऽ रहैत आयल सिरहाके 20 वर्षीय राममणि यादव बचियाके जबरदस्ती करनेके आरोपमे गिरफ्तार कयल गेल छल। अपन न्यूज एखनके लेल एतबे। पल पल खबर, तेज नजर, अपन TV देखैत रहब। नमस्कार।